ते हुण रुक करांगे पंजाब दीआं 10 मुख खबरां दा। पंजाब सरकार ने पहली जमात विच पंजाबी माध्यम दी थां अंग्रेजी माध्यम थोपण दा फैसला आंशिक तौर ते लिया वापस। अकाली दल ने पंजाब सरकार ते पंजाबी नूं नजरअंदाज करन दे लगाए सन इल्जाम। एमएसपी ते कोरोना महामारी तो बाद बुलाया जाएगा स्पेशल सैशन। सीएम कैप्टन दी किसान आगुआं नाल होई मीटिंग दे विच मता पास। जाखड़ बोले काला कानून लिया जाए वापस। डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। डीजीपी ह्यूमन राइट्स मोहम्मद मुस्तफा ने छेती फैसला सुनाने की की है मांग। मुल्क च कोरोना के मामले 6 लाख तो पार। 5 दिन अंदर 1 लाख तो ज्यादा मामले। 24 घंटे अंदर 19,000 नवे मामले। बलवंत सिंह मुल्तानी मामले के फैसले का दिन। परविंदर सिंह मुल्तानी की केस ट्रांसफर की अपील से मोहाली कोर्ट सुनाएगा फैसला। साबका डीजीपी सुमेर सैनी ने अपील का किया विरोध। बैबल कलां गोलीकांड मामले दे विच मुलजम सोहेल बराड़ पंकज बंसल ते गुरदीप सिंह दी जमानत अर्जी ते सुनवाई। अज फरीदकोट दी सैशन कोर्ट च होएगी सुनवाई। वैब सीरीज पताल लोक ते विवाद दा मामला सिख भाईचारे दी पटीशन ते हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई दे विच अदाकारा अनुष्का शर्मा नूं कीती सी जवाब तलबी। सिख भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा इल्जाम। डेजिग्नेटेड टैरर सूची के शामिल किए गए खालिस्तान नाल जुड़े 9 कारकुन एसएफजे के गुरपतवंत पन्नू भी ऐलाना गया दहशतगर्द। सारे धार्मिक अस्थाना वांग श्री करतारपुर साहब लांघा भी खोले। सरकार जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का बयान पाकिस्तान सरकार वालों लांघा खोले जाने की की शलाघा। पंजाबी गायक गगनदीप की मौत का मामला पुलिस ने 6 अणपछाते लोगों खिलाफ दर्ज किया मामला। 29 जून नशे की ओवरडोज ने ली जान। जी मीडिया ने प्रमुखता नशर की खबर।